सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? बढ़िया होंगे। सो जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो, वो वीडियो है ट्विटर ट्रेंड के रिलेटेड। अगर आपको भी इस तरह का ट्विटर ट्रेंड का आपकी वेबसाइट में पेज बनाना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको अपना API की जो है वो ट्विटर से लेना है और इस कोड में सिंपल आपको ऐड करना है और इस तरह से आपका पूरा जो है वेबसाइट वो वर्कआउट होगा। ये ऑटोमेटिक डायनेमिकली पूरा पेज जो है वो रीलोड हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे दूसरी कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, जैसे करूँगा यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया में अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ट्विटर ट्रेंड, वो यहाँ पे पूरे हैशटैग आ जाएंगे और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो दूसरे भी यहाँ पे सब कंट्री वाइज दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी कंट्री है सबके जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ट्विटर में आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी करंटली जो भी ऑस्ट्रेलिया जितने भी टॉपिक है वो सारे आ जाएंगे। तो अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए तो ये मेरे पास पड़ी है और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मेरा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे ब्लॉग में जाना है और ब्लॉग में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ट्विटर ट्रेंडिंग टॉपिक स्क्रिप्ट फ्री एंड अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी दिया है कि किस तरह से आपको इसको इंस्टॉल करना है और किस तरह से आपकी वेबसाइट में इसको रन करना है। यहाँ पे आप नीचे बॉटम में जाएंगे लास्ट में, तो यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इस स्क्रिप्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि इसमें जो ये ट्विटर ट्रेंड के रिलेटेड पूरा स्क्रिप्ट है वो ये रहा। सिर्फ आपको यहाँ पे बेस URL में आपकी वेबसाइट का URL ऐड करना है और यहाँ पे रैपिड API की जो लिखा है यहाँ पे आपको अपना API की ऐड करना है। बस ये दो चीज़ें करनी है आपको और कुछ भी आपको नहीं करना है। और इस पूरे फाइल को आपके जो भी आपका सर्वर है जहाँ पे आप अपना public.html यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको इसको अपलोड करना है एक फोल्डर बना के, और उस फोल्डर का नाम देना है ट्विटर ट्रेंड। उसके अंदर ये पूरा फाइल आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको ये आपकी वेबसाइट का यहाँ पे बेस URL ऐड कर देना है और यहाँ पे आपको आपका API की ऐड कर देना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे इतना आप करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली आपका जो भी वेबसाइट है वहाँ पे उस लिंक पे आप जाएंगे तो मेरी तरह जैसे ये मेरा वेबसाइट में भी चल रहा है इसी तरह आपका भी क्या हो जाएगा, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था कि कैसे आप स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको API की और बेस URL ऐड करके अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इसमें मैंने बहुत सारे दूसरे भी टूल्स जो है वो ऐड किए हुए हैं। अगर आपको वो टूल्स की स्क्रिप्ट चाहिए तो भी मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल, इसकी भी स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ी है। ठीक है, कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए ये टूल्स पूरा है। उसके अलावा अगर आपको यूट्यूब थंबनेल की स्क्रिप्ट चाहिए तो वो भी मेरे पास है। बहुत सारे स्क्रिप्ट है, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर कन्वर्टर, बहुत सारे टूल्स इसमें दिए हैं इस वेबसाइट में मैंने, इसका आप यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पावर कन्वर्टर, फिर यूट्यूब बैकलिंक जनरेटर की अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो वो भी मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दे सकता हूँ। बहुत सारी स्क्रिप्ट है लेकिन आपको वीडियो को शेयर करना होगा। जितने वीडियो पे ज़्यादा व्यू आएंगे, जितने लाइक बढ़ेंगे, उस तरह से मेरे अगले दूसरे वीडियो आते रहेंगे इसी तरह से इसी चैनल में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये स्क्रिप्ट आपका कुछ काम में आएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हो सके तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।